YouTube से अर्निंग करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कमाल का कंटेंट शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपने शॉर्ट्स वीडियो को क्रिएट करना है कॉपी एंड पेस्ट करके और उनको अपने YouTube चैनल के ऊपर आपने अपलोड करना है बिना किसी कॉपीराइट क्लेम, बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के, और आपका चैनल यहाँ इजिली मोनिटाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छा खासा व्यूज भी आएगा आपकी वीडियोज के ऊपर। ऐसा भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टेंट बहुत ही पॉपुलर कॉन्टेंट है और इस तरह के कॉन्टेंट के ऊपर काफी व्यूज आते हैं। काफी रिसर्च के बाद भाई आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको व्यूज भी देखने को मिले और आपका चैनल भी इजीली मोनेटाइज हो जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच कर लेना ताकि आप भी इस कंटेंट को क्रिएट करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर पाए और आप भी यहां से अर्निंग को कर पाए। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं कि कंटेंट कौन सा होने वाला है। सो देखिए, यहाँ से मैंने YouTube को ओपन कर लिया है। यहाँ से मैंने जैसे YouTube को ओपन किया, उसके बाद मैं सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ मैं क्या सर्च करता हूँ, डीप मीनिंग मोटिवेशनल। जैसे मैंने ये लिख कर सर्च किया, यहाँ देखिए मेरे पास ये जो चैनल आया है, ऊपर आप चैनल के सब्सक्राइबर देख सकते हैं और इस भाई ने सिर्फ 122 वीडियोज अपलोड कर रखी है अपने इस चैनल के ऊपर और यहाँ भाई इनके देखे लगभग 1.5 लाख के करीब इनके यहाँ सब्सक्राइबर होने वाले। यहां से इनकी मैं वीडियो में चलता हूं, यहां से देखिए इन्होंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी हैं, ये भाई यहां आप देख सकते हैं इन्होंने डीप मीनिंग वाली मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर रखी है और इनकी वीडियो के ऊपर भाई इनको अच्छा खासा व्यूज भी देखने को मिल रहा है, यहां भाई आप देख भी सकते हैं। और एक ये चैनल नहीं है, यहां से एक और भी मैं आपको चैनल ओपन करके दिखा देता हूं। सो देखिए, यहां से एक और भी मैंने चैनल ओपन कर लिया, इस चैनल के भी ऊपर आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं मोटिवेशनल पिक्चर्स। भाई इनके चैनल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंटेंट कौन सा है। भाई यहां देखें, ओनली इस भाई ने क्या किया है, पिक्चर्स की जो वीडियो है उसको क्रिएट किया है। यहां देखें एक पिक्चर है और उसके पीछे इन्होंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाया हुआ है। यहां देखें आगे पिक्चर जो है वो स्लाइड हो रही है, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। सो इस तरह की वीडियो भाई इन्होंने क्रिएट की हुई है और इनकी वीडियो के ऊपर भाई आप यहां व्यूज देख सकते हैं। यहां देखें इनको कितना ज्यादा भाई व्यूज आ रहा है इनकी वीडियो के ऊपर, यहां देखें 20,000, यहां भी 20,000, उससे नीचे यहां देखे 10,000। इस तरह की वीडियो के ऊपर भाई काफी भर के व्यूज आता है और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस तरह की वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सो देखिए भाई, इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है, आपने कैसे बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो यूट्यूब के सर्च बार में आ जाना आपने। यहां से यूट्यूब के सर्च बार में आने के बाद आपने यहां क्या सर्च करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं, नो कॉपीराइट। सो देखिए, जैसे ही मैंने यहां इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट लिख के सर्च किया, यहां देखिए मेरे पास भाई इस तरह की काफी वीडियोस आ गई हैं जिनके ऊपर आपको नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा। यहां से म्यूजिक को डाउनलोड कर लो या फिर यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक को डाउनलोड कर लो। म्यूजिक भाई हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हमें पिक्चर्स चाहिए जो नॉन कॉपीराइट हो, जिनके ऊपर हमें कॉपीराइट ना आए। तो उसके लिए आपने करने का, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को भाई आपने डाउनलोड कर लेना है, इमेज सर्च मैन। आपने वहां सर्च करना है इमेज सर्च मैन, आपके पास टॉप पर ये वाली ऐप आ जाएगी। आपने इस ऐप को यहां से ओपन कर लेना है। जैसे ही इस ऐप को यहां से ओपन करेंगे, उसके बाद आपने सर्च बार में जाना है और यहां आपने सर्च करना है डीप मीनिंग पिक्चर्स। यहां जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे, यहां देखे भाई आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी। यहां देखे मैं, जैसे कि ये मेरे पास फर्स्ट वाली पिक्चर आई है, तो आपने भाई करना है इनको डाउनलोड। उसके लिए देखिए आपको यहाँ एरो का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां देखे डाउनलोड कंप्लीट का ऑप्शन आ गया, यानी कि मेरे पास ये वाली डाउनलोड हो गया है। उसके बाद यहां देखे ये वाली भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं। भाई आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट ना आए उस चीज का आपने ख्याल रखना है। कौन सी आपने पिक्चर लेनी है, जैसे कि यहां देखे ये वाली मेरे पास पिक्चर है, तो यहां देखे यहां साइड में इनका जो लोगो है कंपनी का, वो यहाँ लोगो आ रहा है। तो इस तरह की जो पिक्चर्स है उनको भाई आपने डाउनलोड नहीं करना, जिससे आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट ना आए। सो देखें, जैसे कि ये वाली मेरे पास पिक्चर है, तो इसके ऊपर देखें मुझे कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से इजीली इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से 2-3 और भी मैं पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाली पिक्चर होगी, उसके बाद यहाँ से एक और भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ से हमने पिक्चर्स को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद भाई आपने इसकी करनी एडिटिंग। तो इसके लिए आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मेरे पास काइन मास्टर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से सिंपल काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ही काइन मास्टर को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने करना क्या, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है।
और यहाँ देखे भाई आपने वीडियो का साइज लेना है, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो का साइज। उसके लिए भाई आपने जो सेकंड नंबर पर है 9x16 इसके ऊपर क्लिक करके भाई आपने यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखें भाई जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो भाई अब आपने करना क्या है, जो आपने वहां से पिक्चर्स को डाउनलोड किया था उस ऐप में से डीप मीनिंग्स वाली, उन पिक्चर्स को आपने यहाँ ऐड कर लेना है। तो देखे जहाँ ये वाली पिक्चर्स मैंने ऐड की थी तो इनको यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से इन पिक्चर्स को मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद आपने करने का है यहाँ देखे इन पिक्चर्स का जो साइज है इसको आपने कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है इतना। जैसे अब ये 2 सेकंड का हो गया है उसके बाद इस पिक्चर का भी साइज भाई आपने छोटा कर लेना कुछ इस तरह से। इन पिक्चर्स का साइज इतना करने के बाद भाई आपने करना क्या है, यहाँ देखे आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है, ये जो दरमियान में आपको ऑप्शन मिल रहा है लाइन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से भाई हमने इसमें जो इफेक्ट वगैरह ऐड करनी है, जैसे कि अब ये वाला मेरे पास है, यहाँ से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखे इस तरह की वीडियो भाई देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, जिससे हमारी वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन आए और लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच करें। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है इसमें भी यहाँ से भाई मैं कोई इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ देखे ये वाला इफेक्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है इसमें भी मैं यहाँ से कोई एक इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है भाई सारियों को भाई आपने इसी तरह से इफेक्ट वगैरह दे देना है। उसके बाद भाई आपने करने का यहाँ से आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद भाई आपने यहाँ लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ का ऑप्शन आपको मेरा टेक्स्ट का, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ भाई आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ लिखना है डीप मीनिंग, आगे भाई आपने यहाँ लिख देना पिक। जैसे मैंने डीप मीनिंग या पिक लिख के यहाँ से ओके किया, उसके बाद देखे ये जो डीप मीनिंग पिक वाला है इसको भाई आपने यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भाई आपने इसको एडजस्ट करके इस तरह से रख देना है। इसका यहाँ से आपने साइज थोड़ा सा भाई आपने कम कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ देखे इस तरह आपने भाई इसको कर लेना है। उसके बाद इसका साइज जो इसको भी भाई आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने अगेन से लेयर के ऊपर क्लिक करना है, से मीडिया में जाना है और जो आपने इमोशनल बैकग्राउंड डाउनलोड किया था यूट्यूब से उस वीडियो को यहाँ आपने ऐड कर लेना है। सो यहाँ एक नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, सो यहाँ से उस म्यूजिक को जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ। सो देखे जैसा कि एक नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यहाँ ऐड कर लिया। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ एक ऑप्शन आपको मेरा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसका जो ऑडियो वो यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से इस वीडियो को आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद म्यूजिक के ऊपर अगेन से क्लिक करना है, ऊपर आपको ऑप्शन मेरा मिक्सर का, इसके ऊपर क्लिक करके इसका वॉल्यूम भाई आपने थोड़ा सा यहाँ रख लेना है कुछ इस तरह से। इसका वॉल्यूम इतना करने के बाद भाई एक काम आपने करना है, आपने अपने फेस की एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ इस जगह पर आपने एडजस्ट कर लेना है। पर इससे कोई भी आपका चैनल मोनेटाइज होने से नहीं रोक सकता, आपका चैनल भाई इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। सो इस तरह भाई आपने वीडियो को ऐड कर लेना है। उसके बाद भाई देखे जो बाकी का पार्ट है वो सिंपल तरीके से भाई आपने यहाँ से इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फुल एच डी में रख के वीडियो को सिंपल भाई आपने सेव कर लेना है। वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, उसके बाद आप इजीली इसको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।